खास पेशकश ज्योतिष गुरु में मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों आज बात करेंगे आपके कर्ज के विषय में कि कर्ज के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है या फिर आपने कोई कर्ज ले लिया है आप उसे क्यों नहीं चुका पाते हैं, क्यों आप कर्ज के भंवर जाल में फंसते चले जाते हैं, ये आपको बताएंगे। इसी के साथ ही कर्ज से छुटकारा पाने का महा उपाय क्या है ये भी आपके साथ साझा करेंगे। सफलता का अचूक महा उपाय आज अद्भुत होने वाला है और हम आपको जानकारी देंगे यदि आपको किसी अनजाने डर से मन में भय बना रहता है, अकारण डर लगता है तो वो कैसे दूर होगा। रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके डर को बिल्कुल खत्म कर देगी। देंगे आपके प्रश्नों का जवाब, ये सारी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम लोहिताक्षाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आज के दिन मध्य दोपहर में जाप करने से आपके कर्ज की समस्या कम होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 11 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, नक्षत्र होगा अश्वनी, चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, दोपहर 3 से 4:30 के मध्य। दिशा शूल होगा आज उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं मुख्य रूप से कर्ज के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार माना जाता है। देखिए हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है तो ज्योतिष में कर्ज के लिए मुख्य रूप से कुंडली के मंगल ग्रह को ही जिम्मेदार माना जाता है। कुंडली का छठा भाव हमारे रोग का, हमारे ऋण का, हमारे शत्रुओं का होता है। तो ऋण का यह भाव होने के कारण कुंडली के छठे भाव का स्वामी और छठा भाव दोनों ही कर्ज के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। छठे भाव का स्वामी यदि अच्छी अवस्था में ना हो, मंगल ग्रह यदि पीड़ित हो जाए तो मान के चलिए कि कर्ज की समस्या अक्सर आपके साथ बनी रहती है। यानी एक कर्ज को चुकाने के लिए आप दूसरा कर्ज लेते हैं और दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए आपको तीसरे के जाल में फंसना पड़ जाता है। तो यह समस्या आपके साथ क्यों बनती है यह आपको बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ कुंडली का मंगल ग्रह, कुंडली का छठा भाव और छठे भाव का स्वामी, ऐसी स्थिति में एक कर्ज को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ता है और व्यक्ति कर्ज के जाल में फंसा ही रहता है। अब लेकिन ये जानते हैं कि मंगल ग्रह की खासियत क्या है, ये कुंडली में कमजोर हो या बलवान हो तो क्या होता है। देखिए ज्योतिष में मंगल को नवग्रहों का सेनापति कहा गया है, बहुत ऊर्जावान है, इसीलिए मंगल को शक्ति, आत्मविश्वास, पराक्रम का कारक भी कहा जाता है। मंगल का जो मुख्य तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है और इसका जो रंग होता है वो लाल रंग कहा जाता है। तांबा इसकी धातु होती है। जौ और लाल मसूर इसकी दान करने वाली या पूजा में इस्तेमाल करने वाली सामग्री होती है। मेष और वृश्चिक इसकी राशियां हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में अपना नीच प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हुई मंगल से जुड़ी कुछ बातें, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, ज्योतिष गुरु का एक छोटा सा महा उपाय आपके कर्ज की समस्या को दूर करेगा और हां आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। हमारी हेल्पलाइन नंबर आप नोट करिए 9643333444। लेकिन पहले जानते हैं मेष वृष मिथुन का हाल। मेष राशि, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, बुजुर्गों की सलाह जरूर लें, फलों का दान आज छोटे छोटे बच्चों को करें तो बेहतर होगा, शुभ रंग है आसमानी। वृषभ राशि, रिश्तों में खटास का योग है और हो सकता है आप अपनी वाणी के द्वारा कुछ कार्य गड़बड़ा दें, तो अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। थोड़ी सी लाल मिठाई कन्याओं को आप दान करें, शुभ रंग है आज के लिए हरा। मिथुन राशि, अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचे, नौकरी में बदलाव से फायदा हो सकता है, गेहूं का दान कर दीजिए सुबह के समय, आज होगा आपके लिए गेरुआ रंग सर्वोत्तम।
अब आपको बताते हैं कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखिए, मंगल को साहस का, पराक्रम का और आपके कर्ज के लिए जिम्मेदार ग्रह माना जाता है। अब कुंडली में वही मंगल यदि अशुभ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति क्रूर हो जाता है, हिंसक स्वभाव का हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ने और झगड़ने के लिए वो तैयार रहता है। उसमें विशेष तौर पे आत्मविश्वास की कमी होती है, साहस की कमी होती है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा संपत्ति और जमीन जायदाद के मामलों में हमेशा फंसा रहता है और उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि अमुक जो व्यक्ति है वो बार बार प्रॉपर्टी परचेज करता है लेकिन उसका नुकसान हो जाता है, तो उस कुंडली के अंदर मंगल ग्रह जिम्मेदार है, मंगल पीड़ित है। समय समय पर ऐसे व्यक्ति को रक्त से संबंधित समस्याएं घेर लेती हैं या फिर ऐसा व्यक्ति अक्सर एनेमिक होता है। अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी की समस्या लगी रहती है और ऐसा भी कई बार देखा गया है बहुत ज्यादा मंगल के पीड़ित होने पर कभी कभी जेल यात्रा का योग भी बन जाता है। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, आप सद्मार्ग पर रहिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और विशेष तौर पर मंगल को प्रसन्न करने का महा उपाय कर ही लीजिए। क्या है वो उपाय? मंगलवार के दिन सुबह के समय स्नान करके हल्के लाल या गुलाबी वस्त्र पहने, अपने कर्ज समाप्ति की प्रार्थना अपने ईश्वर, अपने कुल गुरु, कुल देवी देवता से करें और अपने घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की एक फोटो रखें और उनके सामने मिट्टी के दिए में शुद्ध घी भर के एक चौमुखा दिया प्रज्वलित करें। अब आप किसी लाल आसन पर बैठ जाएं और मंगल देव के 21 नामों का जाप कम से कम 11 बार करना है। जाप के बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं और यह गुड़ और लड्डू, अगर आप भोग लगाना चाहें तो आपकी इच्छा है, और लड्डू का भी भोग लगाकर, गुड़ का भोग लगाकर छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए, बांट दीजिए। यदि संभव हो तो मंगलवार का उपवास रखना आरंभ कर दीजिए और इस दिन नमक का भोजन बिल्कुल मत करिएगा, नमक का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी कर्ज की समस्या कुछ कम होने लगी है। लेकिन एक बात और, नित्य प्रतिदिन यानी सुबह के समय और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। अगर मंगल बहुत जरूरत से ज्यादा समस्याएं दे रहा है ऐसा करने के बाद भी, तो लाल और मीठी चीजों का दान मंगलवार के दिन से शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी कर्ज की समस्या कम होने लगी है। मित्रों, आपके मन में यदि कोई डर है, अकारण आप चिंतित हो जाते हैं, अब वो डर खत्म हो जाएगा। रसोई घर की छोटी सी सामग्री आपके डर को खत्म करेगी। कैसे ये होगा बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कर्क सिंह कन्या का हाल। कर्क राशि, सेहत ठीक होने का योग है, कार्य करने में कोई लापरवाही ना करें, सुबह के समय केसर का तिलक करें, शुभ रंग है लाल। सिंह राशि, अपनी वाणी में मधुरता लाएं, भाई बहनों से अलगाव हो सकता है, सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, शुभ रंग होगा पीला। कन्या राशि, अपनी नौकरी पर ध्यान दें, नए अवसर की प्राप्ति होगी, मीठा जल पीकर घर से निकलेंगे तो बेहतर होगा, शुभ रंग है आज नारंगी। मित्रों, अब समय हो चला आपके प्रश्नों के जवाब देने का। पहले दर्शक जुड़े हमारे साथ गौतम शाह, ये छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत स्वागत है आपका गौतम। ये कह रहे हैं कर्ज की समस्या है, कोई उपाय बताएं। तो भाई, आज जो हम विषय लेकर आए हैं गौतम, वो आप ही के लिए है। आप वृषभ लगन और मकर राशि के हैं, छठे भाव का स्वामी शुक्र मंगल के द्वारा पीड़ित होने से आपकी कर्ज की स्थिति बनी हुई है। हमने आपको बता ही दिया मंगल इसके लिए जिम्मेदार होता है या छठा भाव भी इनका पीड़ित है। तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी का एक चित्र लगाएं और शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जनवरी 2023 के बाद आपकी कर्ज की समस्या कुछ कम होना शुरू होगी। दूसरी दर्शक जुड़ी हमारे साथ श्वेता बिहार से हैं, बहुत स्वागत है श्वेता आपका। ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी और विवाह में कुछ समस्या है, उपाय बताएं। श्वेता, आप तुला राशि की हैं और राशि से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर नौकरी की प्राप्ति में बाधा डाल रहा है।
मार्च 2023 के बाद नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। नौकरी के लिए आप प्रयास बिल्कुल जारी रखिएगा, मन में हताशा निराशा बिल्कुल ना लाइए। नौकरी प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की सेवा आप करना शुरू कर दीजिए। नवंबर 2022 के बाद यानी आने वाले माह में जो है विवाह के योग प्रबल होंगे और विवाह की समस्या को खत्म करने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में तुलसी और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी समस्या बहुत जल्द कम होगी। तो आज तो गौतम और श्वेता जुड़े थे हमारे साथ अपनी समस्याओं को लेकर। ऐसे ही आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9643333444 पर अपनी समस्या साझा करिए, जरूर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का हाल। तुला राशि, दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, बीमारी खत्म होने का योग दिख रहा है। सुबह के समय शिवलिंग पर थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाएं, शुभ रंग है आज हरा। वृश्चिक राशि, खान पान की वस्तु दान करें, नशे की चीजों से आज परहेज करना है। शाम को हनुमान जी को गुड़ अर्पित कर दीजिए, शुभ रंग है आज लाल। धनु राशि की चर्चा करते हैं, व्यापारिक यात्रा से नुकसान हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए। छात्रों के लिए दिन उत्तम है, पीले फल का दान करें, शुभ रंग होगा आज पीला। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेर शुभकामना। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और नौकरी के लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। इस वर्ष के मध्य के बाद ही व्यापार में आपको कोई निवेश करना है, शुरुआत में मत करिएगा, मध्य के बाद करिएगा। रुके हुए या निवेश किए हुए धन से फायदा आपको अवश्य होगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं को खत्म करने के लिए शाम के समय आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का हाल। मकर राशि, परिवार में वाद विवाद खत्म होगा, दोपहर बाद कोई काम आपका बन जाएगा, कपड़ों का दान करें, शुभ रंग है आज आसमानी। कुंभ राशि, शादी के योग में विलंब हो सकता है, सुबह के समय व्यायाम जरूर करें, हल्दी का तिलक अपने माथे पर करें, शुभ रंग है आज नीला। बात करते हैं मीन राशि की, प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को आज फायदा जरूर होगा, नौकरी के नए नए अवसर आपको मिलेंगे, शहद का सेवन करें, शुभ रंग है आज सुनहरी। मित्रों, अब आपके साथ साझा करते हैं आज का सफलता का अचूक महा उपाय। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपका कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा, आज के दिन कच्चे दूध में 2-4 पत्तियां केसर की मिलाकर शिवलिंग पर आप अर्पित करें, आपको कार्य में सफलता जरूर मिलेगी।